हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी वर्ब के साथ एस और ई एस कब लगता है ये सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन या सिंगुलर हो तो क्रिया में एस लगाते हैं, मतलब जो वर्ब होगी तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एस, मतलब इसके पीछे एस लगाएंगे, मतलब जैसे प्ले तो प्लेज। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम्स, वह आता है। वह क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो वह क्या है, एक वचन है, मतलब एक वचन सब्जेक्ट है। तो हम जो क्रिया है कम तो इसके पीछे लगाएंगे एस, क्या लगाएंगे, कम्स, ही कम्स। जैसे शी, शी क्या है, एक वचन है, मतलब सिंगुलर है शी। तो कुक नहीं लिखेंगे, इसके पीछे लगेगा एस, तो शी कुक्स। ठीक है, मतलब कर्ता एक वचन हो तो वर्ब के साथ एस लगता है। ठीक है, अब दूसरा है, कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगता। जैसे दे कम, दे क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन है। दे सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, तो दे कम, एस इसके पीछे नहीं लगेगा। ये जो वर्ब है कम, इसके पीछे एस नहीं लगेगा। दूसरा है दे कुक, दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके पीछे जो वर्ब होगी उसके पीछे एस नहीं लगेगा, तो क्या बनेगा, दे कुक। अब तीसरा है, आई और यू एक वचन होने पर भी एस नहीं लगता। मतलब हमने पहले देखा था कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के पीछे एस लगता है, लेकिन आई और यू एक वचन है लेकिन इसके पीछे एस नहीं लगेगा, सिर्फ आई और यू के लिए, बाकी सभी एक वचन कर्ता के पीछे, मतलब कर्ता हो और उसके वर्ब के पीछे एस लगता है, लेकिन आई और यू जब आए किसी सेंटेंस में तब वर्ब के पीछे एस नहीं लगता। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। क्रिया में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर यदि ओ एस एक्स एस एच सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगता है। मतलब जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के पीछे एस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में वर्ब के पीछे एस की जगह ई एस लगता है, तो वो कब होता है, जब वर्ब में, मतलब वर्ब के पीछे ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो एस के बजाय ई एस लगता है। जैसे ये वर्ब है गो, तो इसके पीछे क्या है, ओ। ये है टैक्स, तो इसके पीछे है एक्स एस। जैसे गो का गोज, टैक्स का टी ए एक्स ई एस टैक्सेस, वॉश वॉशेस, टीच टीचेस। ठीक है, अब दूसरा है, यदि वाई हो तो वाई का आई करके आगे ई एस लगाते हैं। मतलब ट्राई, तो वाई को हटाया आई ई एस लगाया। ठीक है, तो क्या बना, ट्राइज। स्टडी, वाई को हटाया आई ई एस लगाया, तो स्टडीज। ठीक है, अब है तीसरा है, यदि वाई के पहले स्वर हो तो वाई के बाद एस ही लगता है। स्वर, स्वर का मतलब क्या होता है, वॉवेल। जब ये देखो प्ले, तो प्ले में वाई आया पीछे, वाई के पहले क्या होना चाहिए, स्वर, स्वर यानी वॉवेल, ए ई आई ओ यू हो तो वाई के पीछे सिर्फ एस लगता है। ठीक है, इसमें वाई के पीछे वॉवेल नहीं था तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाया, लेकिन वाई के पीछे वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगेगा, वाई भी इधर ही रहेगा और सिर्फ इसके पीछे एस लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसी किसी वर्ब में एस लगता है और किस में ई एस लगता है, किसके पीछे, वर्ब के पीछे। ये किससे निर्भर करता है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्या लगेगा, वर्ब के पीछे एस, और सब्जेक्ट बहुवचन मतलब प्लूरल हो तो एस नहीं लगेगा। और ई एस कब लगता है, जब वर्ब के पीछे एस सी एच और वो जो पढ़ा था ना हमने पहले, तब
तब वहां हम ईएस लगाते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, तो मैं आई और यू के पीछे, हमें जब आई और यू सब्जेक्ट हो तो वर्ब के पीछे एस नहीं लगता, ये हमने देखा था। ठीक है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो आई। वर्ब क्या है? जाना, तो गो। इसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, तो आई गो। कहाँ जा रहा है? घर, मैं घर जाता हूँ, घर को बोलते हैं होम। आई गो टू होम, आई गो टू होम। अब दूसरा है, वह घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही क्या है? एक वचन, मतलब सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के पीछे लगाएंगे हम एस। वह घर जाता है, तो जाने को बोलते हैं गो। अब हमने देखा था एस लगाते वक्त जब क्रिया में यानी वर्ब में ओ एस एस एच सी एच एक्स आए तो हम इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ई एस। ठीक है, ई एस। ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। ठीक है, वह घर जाता है, ही गोज टू होम। अब है रवि खेलता है, तो रवि, रवि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो वर्ब के पीछे एस लगेगा। ठीक है, खेलने को बोलते हैं प्ले, PLAYS, रवि प्लेज। ठीक है, वाई के पीछे क्या है? वॉवल है, तो वाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, अब है चौथा है, वे झूठ बोलते हैं, तो वे क्या है? सब्जेक्ट, और कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तब इसमें एस और यस नहीं लगेगा, वर्ब वैसी की वैसे ही रहेगी। वे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने को बोलते हैं लाए, LIE, लाए, तो दे लाए। इसमें एस और ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन यानी प्लूरल है। अब है वह झूठ बोलता है, अब इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर, तो ही झूठ बोलने को बोलते हैं लाए। अब इसमें क्या लगेगा? एस, क्या लगेगा? एस, ही लाइज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अब छठा सेंटेंस है, वह पढ़ाती है, तो वह को बोलते हैं शी, लड़की के लिए क्या लगता है? शी, पढ़ाती मतलब शी, शी पढ़ाने को बोलते हैं टीच, TECH, TEACH। ठीक है, TEACH, ठीक है, शी टीच। अब इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, हम कैसे पता लगाएंगे? तो चलिए पहले तो सब्जेक्ट देखते हैं, एक वचन है मतलब सिंगुलर है, तो एस और ई एस तो लगेगा। अब एस लगाए या ई एस लगाए, तो चलिए पहले देखते हैं इसके पीछे क्या है। सी एच, सी एच आए तो हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? शी टीचेस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एस और ई एस कैसे लगाते हैं।